वो वेडीज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी जानवी और आपका द साइड ऑफ जानवी बहुत वेलकम है। सो आज इन्फॉर्मेटिव वीडियो। उससे पहले मैं आप सबका थैंक्स करना चाहती हूँ, आपको सपोर्ट का, जो आप मेरे को सपोर्ट करते हो और मेरे व्लॉग्स एंड तक देखा करो और देखते रहो, पता चलता है लाइक से, व्यूज से। सो ऐसे मेरे को सपोर्ट करते रहो और आज के वीडियो पे आते हैं। तो आपने टाइटल तो रीड कर ही दिया होगा, आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव है। सो क्या है वो है ये पासपोर्ट। तो पासपोर्ट की मेरी जर्नी कैसी रही पहले मैं दिखा देती हूँ, मेरी फोटो कैसी आई है। सो मेरी कुछ ऐसी है फोटो। एंड इसकी जर्नी कैसी रही कि मतलब मैंने कहाँ से मतलब कैसे बनवाया कैसा। सो फर्स्ट स्टेप ये था कि मेरे डैड ने ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल की, सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी की एंड हमारी कन्वीनियंस से उन्होंने डे और स्लॉट चूज़ किया कि मतलब कौन सी टाइम होना चाहिए और कौन सा डे। तो हमारा 2:45 का टाइम था एंड जो मनी थी मतलब उसके लिए जो भी फीस थी तो वो थी मतलब बिलो 18 के लिए 1000 एंड अबव 18 के लिए 1500। सो हमने वो फिर मतलब पे कर दी थी एंड देन फिर हम लोग ना कुछ ज़्यादा ही जल्दी, मेरे डैड मतलब टाइम के बहुत ज़्यादा पंचुअल हैं, तो हमारा 2:45 का टाइम था एंड हम 2:00 वहाँ थे। तो वहाँ तो मतलब पासपोर्ट ऑफिस ऐसे थोड़ा ना कि हाँ आप 2:00 आ गए आइए आप अंदर आ जाइए, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हम लोग कार में वेट कर रहे थे, 5 मिनट्स पहले बुलाया गया क्योंकि टोकन मिलता है एंड जो हमने एप्लीकेशन फिल की थी पूरी उसका डैड ने प्रिंट आउट निकलवा लिया था। तो उसमें जो टाइम स्लॉट मिला था उसी टाइम स्लॉट के हिसाब से उन्होंने अंदर आने दिया क्योंकि ऑलरेडी वहाँ मतलब हंड्रेड्स ऑफ पीपल होते हैं जो पासपोर्ट बनवा रहे होते हैं, इसीलिए टाइम स्लॉट करना पड़ता है वरना बहुत रश हो जाएगा। जाके फिर हमने टोकन लिया तो मेरा नंबर था N613। सो N613 को लेके मतलब मेरा टोकन लेके हमने गार्ड भैया से मतलब गार्ड भैया ने हमें गाइड किया, वहाँ एक कॉन्फ्रेंस रूम था मतलब कॉन्फ्रेंस रूम टाइप ही था, उसमें जाके बैठे हम लोग। फिर वहाँ स्क्रीन्स लगी थी, उसमें नंबर आना था N613 जो मेरा नंबर था। सो आप स्टेजेस भी कह सकते हो या काउंटर भी कह सकते हो, आपको 3 काउंटर्स जाना है उसके बाद भी, टोकन लेने के बाद 3 काउंटर्स होते हैं, आप स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 भी कह सकते हो, मतलब वो थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में हो जाएगा ठीक है। एंड फिर जब हम अंदर गए तो मेरा NA9 आया था मेरा नंबर, जो मेरा फर्स्ट स्टेज का नंबर था कह सकते हो। तो हम लोग वहाँ गए तो उन्होंने मेरी रेटिना लिया, नॉर्मल लैंग्वेज में कहा जाए तो मेरी आइज़ को स्कैन किया। सो मेरा थंब इम्प्रेशन हुआ, देन फोटो क्लिक हुई एंड देन फिर हमारा स्टेज 1 कम्प्लीटेड। स्टेज 2 उसके लिए थोड़ी देर वेट करना पड़ा हम लोगों को, देन मेरा नंबर आया B3, देन B3 के लिए वेट किया। जब B3 आया तो उधर गए, उन्होंने वेरिफिकेशन किया कि सब कुछ सही है या नहीं, देन थोड़ी देर और वेट किया, फिर स्टेज 3 लास्ट स्टेज। सो उसके लिए C3 मेरा नंबर था तो C3 के लिए तो उसमें डॉक्यूमेंट्स, तो वो था बर्थ सर्टिफिकेट मेरा और मेरा आधार कार्ड और जितने भी डॉक्यूमेंट्स बचे थे वो मेरे डैड के लगे थे क्योंकि अभी तो यार मैं छोटी हूँ, अभी का मेरे लग जाएंगे सारे। सो फिर उन्होंने कहा कि पुलिस वेरिफिकेशन के लिए फ़ोन आएगा 4-5 डेज में आएगा, तो ओके आप घर जा सकते हैं, यू आर फ्री। हम लखनऊ में रहते हैं तो ऑब्वियसली हम लखनऊ वाले ही पासपोर्ट ऑफिस जाएंगे। हम वहाँ गए थे एंड वहाँ का जो स्टाफ था वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था, आपको कोई भी क्वेरी हो आप कोई से भी काउंटर पे जाओगे वो बता देंगे, चाहे वो उस काउंटर को डील नहीं करते तब भी आपको बता देंगे आपको कहाँ जाना है। एंड वो बहुत अच्छा लगा कि मतलब किसी को नहीं पता है तो बता दे रहे हैं वो। एंड मैं वहाँ जाके आ चुकी हूँ तो मैं बस एक ही आपको सलाह देना चाहूँगी, एडवाइस, कि वहाँ पानी की बॉटल लेके जाएं, थोड़े बहुत स्नैक्स लेके जाएं क्योंकि पूरे प्रोसेस को 4 से 5 आवर्स लगते, मैंने आपको पहले बता दिया है ठीक है। और थोड़े दिन के बाद 4-5 डेज के बाद एज उन्होंने बताया था पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आएंगे सर, तो वो आए थे अपने साथ टैब लेकर आए थे, उन्होंने हमारा आधार कार्ड चेक किया था एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए एंड उन्होंने चेक करने के बाद टैब में ही सब कुछ फिल कर लिया था फॉर्म एंड उन्होंने कहा था 1 वीक में ही आपका पासपोर्ट आ जाएगा। हमारा पासपोर्ट स्पीड पोस्ट से आया था, स्पीड पोस्ट से एंड सबका ही आएगा क्योंकि कंपनी तो एक ही है यार इसीलिए। सो अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, मिल